पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत ज़रूरी आवश्यकता पड़ता है। और इसी कार्यक्रम को लेकर के वारी न्याय पंचायत में कुछ अध्यापकगण, मतलब 13 विद्यालयों के अध्यापकगण मिल करके अपने कार्यक्रम को चलाया और बच्चों को जागरूक करके खेल के मैदान में उतारा और काफ़ी खेलों का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर और उच्च पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों को लाया गया और इनको मैदान में उतार करके लगभग कबड्डी, खो खो, दौड़ की प्रतियोगिता कराया गया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। इसी बीच में जो पीछे की आप फोटोज देख रहे हैं, जो बच्चे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, 1000 बच्चों की संख्या में यहाँ काफ़ी भीड़ है और इतने मतलब अध्यापकगण जुटे हुए हैं और खंड विकास अधिकारी भी आप देख सकते हैं। और इतना कार्यक्रम, बड़ा आयोजन किया गया है, ज़िले में लगभग ऐसा कार्यक्रम कभी कभी देखने को मिलता है। ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चे अपना खेल कूद करके ब्लॉक स्तर और जिले स्तर, उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्तर पर जाएंगे। मैं नोडल शिक्षक संकुल अखिलेश यादव और नया पंचायत वारी, और जो है कि यहाँ पे ये वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम है, जो कि खेलकूद कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे 13 विद्यालय कंपोजिट विद्यालय लेकर के 13 विद्यालय कुल टोटल हैं, जिसमें सभी विद्यालय के प्रतिभागी बच्चे जो है प्रतिभाग ले रहे हैं इस खेल कार्यक्रम में, जिसमें जो है कि कबड्डी है, ऊँची कूद, लंबी कूद, दौड़, तमाम खेल जो है कि गोला, चक्का फेंकना, सभी चीज़ जो है कि तमाम खेलों में प्रतिभाग ले रहे हैं बच्चे बड़े उत्साह के साथ। और शिक्षक और सहायक अध्यापक और यहाँ के संकुल जो है कि 5 संकुल मिलकर के यह कार्यक्रम जो है कि सफल बनाए, सभी अध्यापक के साथ और गार्जियन, अभिभावक, प्रधान जी और यहाँ के जो है कि संभ्रांति व्यक्ति, सभी का सहयोग, सभी का जो है कि आदर सम्मान इस कार्यक्रम में लगा रहा। और इतना यहाँ के बढ़ चढ़ के शिक्षक जो है कि छात्र छात्राओं को प्रतिभाग कराएं, इतनी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित रहें। और यहाँ के सरकारी, इस कार्यक्रम में सरकारी योगदान कोई नहीं है, यहाँ पे हम सभी शिक्षक उत्साहित होकर के अपना कार्यक्रम अपने से ही जो है व्यवस्थित करके कर रहे हैं। और जो है कि शिक्षक काफ़ी खुश और खुशनुमा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी सर कि यहाँ पे जो है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और जो जिससे जो है कि बच्चे उत्साहित हों, खेल में सहभागिता करें और खेल के साथ ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। इसलिए जो है कि हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे जो है कि खेल में भी, पढ़ाई में भी, हर तरह से सर्वांगीण विकास बच्चों का हो, जिससे जो है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किसी से कम न रहें। अभी जो है कि यह न्याय पंचायत स्तर का खेल हो रहा है, इसके बाद जो है कि मंडल जो है जिले स्तर पर जाएगा, जिले स्तर के बाद मंडल स्तर पर बच्चे जाएंगे, जो टॉपर बच्चे हैं वो जो है आगे बढ़ते रहेंगे और बच्चों का हौसला जो है खेल के क्षेत्र में आगे जाएगा। इसलिए यह खेल कराया जा रहा है हौसला बढ़ाने के लिए बच्चों का। में सरकारी कोई अनुदान नहीं सर, यहाँ पे जो है कि शिक्षक और यहाँ पे नोडल शिक्षक संकुल, सहायक और सभी शिक्षक संकुल जो है सहयोग, आपस में सहभागिता करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अनवार अहमद, यही हमारा गृह जनपद है, हम अंतर जनपदी से यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर जो है कार्यभार ग्रहण किए हैं। आज NPRC स्तरीय जिला खेल कूद क्रीड़ा प्रतियोगिता पूरे न्याय पंचायत वारी की यहाँ हम लोग संपन्न करा रहे हैं, जिसमें स्वयं की व्यवस्था है, शासन प्रशासन से 1 रुपये की मदद या किसी तरह की अपेक्षा आकांक्षा हम लोग नहीं लिए हैं। हमारे सभी साथी शिक्षक संकुल के नोडल शिक्षक हैं श्री अखिलेश भैया, इनका भी बहुत तन मन धन से सहयोग रहा और जय दिन से यह प्रोग्राम का प्रोटोकॉल हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मिला है, उस दिन से हम लोग चैन की नींद सोए नहीं हैं। और उसके पीछे कारण ये था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इन्हें बेहतर से बेहतर मंच हम लोग मुहैया कराएं, जिनसे ये खेल कूद की नर्सरी है, इस नर्सरी से बेहतर पौधा तैयार हो। और 13 विद्यालय का इसमें हम लोगों का सहयोग मिला है, पूरे न्याय पंचायत में कंपोजिट विद्यालय मिला के 13 विद्यालय हैं, सबके बच्चे यहाँ प्रतिभाग किए हैं, प्राइमरी स्तर, मिडिल स्तर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 50 मीटर की दौड़, कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है सब लोगों की सहभागिता है और हम लोग का सबका सहयोग मिला। खास तौर से रविंद्र पाल सर जी जो हमारे सहयोगी यहाँ हैं, सहायक अध्यापक पद पर तैनात हैं और शिक्षक संकुल भी हैं, और विशेष आभार और विशेष धन्यवाद हम नोडल शिक्षक संकुल अपने अखिलेश भाई के देना चाहते हैं, जिनका जो है बहुत सहयोग इस कार्यक्रम में मिला।
हम तो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि दो चार चक्कर ज्ञानपुरों गोपीगंज न गए हों। पुरस्कार से लेकर मिष्ठान से लेकर और नाश्ता पानी लंच पैकेट हर व्यवस्था इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। और हमारी इस विद्यालय हमारे मूल विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमारा जितना भी स्टाफ रहा सभी का तन मन धन से बहुत सहयोग मिला। और आपका भी आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप लोग अपना अमूल्य समय दिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आप लोग जाने जाते हैं, आप लोगों की बहुत महती भूमिका है। और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दें, जिससे फिर ये न्याय पंचायत से जो छंट के जाएँ तो ब्लॉक में खेलें, ब्लॉक से ज़िले में खेलें, और ज़िले से खेलने के बाद देश और प्रदेश में हमारा नाम रोशन करेंगे। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा इनाम होगा।